नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डबल स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज जो लेटेस्ट अपडेट के साथ हम बात करेंगे 31661 को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि सरकार की तरफ से कल मतलब मंत्री जी की तरफ से बयान दिया गया है कि कल या परसों मतलब आज या कल में आपकी जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। कल निकल गया, आज आप सभी के सामने है, लेकिन ऐसे में शेड्यूल का इंतजार अभी भी अभ्यर्थी कर रहे हैं। उनकी तरफ से एक हफ्ते की नियुक्ति पत्र या फिर अगर बात करें काउंसलिंग संपन्न कराने के बारे में जानकारी दी गई तो उसके बारे में लगातार अधिकारियों से मुलाकात करने अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे। कोशिश की गई कब तक यहां से शेड्यूल जारी होगा, कब यहां से चयन सूची देखने के लिए मिलेगी और भी तमाम मुद्दों पर मुलाकात हुई है। वहां से क्या अपडेट है इसको लेकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 31661 की भर्ती शुरू करवाने के लिए लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से धरने प्रदर्शन दिए गए हैं और लगातार अधिकारियों के साथ मुलाकात करने की जो कोशिश है वो की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार जो अधिकारियों की तरफ से जवाब देखने के लिए मिलते हैं उससे अभ्यर्थी सेटिस्फाई नहीं हो पाते। रीजन आप सभी को पता है, क्योंकि बार बार सरकार की तरफ से तो दावा किया जा रहा है कि जल्द यहां से नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा अधिकारियों की तरफ से नहीं कहा जाता है। कल भी आपको पता है मंत्री जी की तरफ से कहा गया था शेड्यूल के बारे में। अब ऐसे में अभ्यर्थी शेड्यूल की जानकारी लेने के लिए NIC पहुंचे, उनसे जानकारी लेने की कोशिश की गई। तो जैसा कि आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो NIC से जारी किया जाएगा वो दोस्तों आपको चयन सूची देखने के लिए मिलेगी, लेकिन उससे पहले आपका शेड्यूल आएगा। शेड्यूल जारी किया जाएगा बेसिक शिक्षा परिषद से, तो पहले दोस्तों जब तक शेड्यूल नहीं आ जाता तब तक चयन सूची नहीं आएगी। तो NIC में जो अभ्यर्थी मुलाकात करने पहुंचे हुए थे उनकी तरफ से अभ्यर्थियों को कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं सोमवार तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है। यहाँ पर दोस्तों अधिकारियों के साथ में जो बात हुई है उनकी तरफ से यहाँ पे स्पष्ट किया गया कि आज कुछ भी जारी होने की संभावना नहीं है, मतलब चयन सूची आने के बारे में तो कोई मतलब नहीं है। पहले आप सभी को मैंने बता दिया कि जो आपका कार्यक्रम जारी किया जाएगा, कार्यक्रम जारी होना SERD से, उसके बाद में चयन सूची जारी होगी जो कि NIC से जारी होगी। तो NIC अधिकारियों के साथ हम मुलाकात की कि उनकी तरफ से यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मना किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि आज आपकी जो कहने की प्रोसेस है वो आगे बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम है, ऐसी उम्मीद हमें कल भी देखने के लिए मिल रही थी। लेकिन ऐसे में बार बार कहने के दावे किए जाते हैं कि जल्द आपके यहाँ से शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और शाम होते होते कल आते आते और भी आगे जाता है। अब ऐसे में आप सभी इंतजार करें, जैसी SERD से कोई अपडेट निकलती है वहां से अगर कोई शेड्यूल के बारे में बताया जाता है तो ऐसे में दोस्तों सिंपल शब्दों में कहा जाए तो आज कुछ जारी होने की संभावना काफी ज्यादा कम है, ऐसी जानकारी अधिकारियों के माध्यम से मिलती है जो अभ्यर्थियों के साथ में वार्ता हुई है। अब ऐसे में जो भी चीजें होंगी सोमवार या मंगलवार बुधवार को जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। काउंसलिंग का जो कार्यक्रम है अगले हफ्ते आपके सामने आ सकता है, मतलब काउंसलिंग करवाई जा सकती है, लेकिन जब तक शेड्यूल नहीं आ जाता तब तक आप सभी इंतजार करें। फिलहाल NIC की तरफ से जानकारी मिली है, अधिकारियों की तरफ से वार्ता हुई है, उनकी तरफ से अभ्यर्थियों को स्पष्ट तौर पर यहाँ पर कहीं ना कहीं मना किया गया है। बाकी इंतजार करते हैं, अगर कोई अपडेट निकलती है तो आप सभी को सबसे पहले ऑनलाइन डबल स्टडी चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी चयन सूची का इंतजार कर रहे हैं पहले शेड्यूल का इंतजार करें, जैसे ही शेड्यूल जारी होता है उसके बाद में आपको जो अपडेट है वो चयन सूची के बारे में मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।